TennisCricket.in, India's first tennis ball cricket website. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। इथं मात्र प्रचंड अपेक्षा, प्रचंड इच्छा, प्रचंड आकांक्षा घेऊन आलेले हे सर्व संघ कसा खेळ करणार पाहूया। मिड ऑफच्या वरून लॉंग पार वाजवा डीजे चार। जबरदस्त टाळ्या होत्या, टाळ्या प्लीज, गोट्या डान्सिंग स्टार के लिए तालिया हो जाए। या चार धावांनी मात्र धावसंख्येत बदल, ओवर नंबर चल रहे, दूसरी ओवर चल रही है। फिर से धीमी रफ्तार से गेंद आई, इस बार जल से गेंद को पिक कर लिया, खाली क्षेत्र में गेंद को मारा जा रहा है। ये गेंद छह रन के लिए निकल रही है, बिल्कुल धमाकेदार अंदाज की बल्लेबाजी चल रही है। बल्लेबाज की तारीफ करने की वहां पर, क्या जबरदस्त अंदाज का, दोनों ही एंड से राज सर प्रहार लगा जा रहा है। इसका मतलब ये टीम बहुत ज्यादा रन बनाना चाहती है। वहां पर पुढ़ चेंडू है ऋतिक गजर, ये देखिए बिल्कुल ऑन द गेंद इस बार डीजे। आह क्या बात है भैया जी, संजय खड़के साहब स्वागत त्यांचं करूया। हा चेंडू सप्तीर गेंद आई, बार बैकफुट पर जाकर गेंद, सुंदर फटका। हा मात्र एसपी सर काय तारीफ करा लिया फटक्याची, तो निश्चित ही ये गेंद जस्ट शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। बल्लेबाज बैकफुट पर जाकर बल्ले के बीचों बीच लेकर ये पुल नहीं बल्कि पावर पंच निकलता बा आता 43 रन। क्या बात है चंडू पत्र, अप्रतिम असानी मिडल लेग वर कैसा फुलर लेंथचा पैनल स्वीप, मिड विकेट स्क्वेअर लेग सीमा पार आर पार, आणि याला केसीसी चषक 2023 चौकार। परत एकदा ऋतिक गजर स्ट्राइकिंग एंड वरती मिस्टर ओंकार, ओंकार का जय जयकार, क्या रुक जा रुका जाएगा नहीं, ओके डीजे थैंक यू। एकूण धाव संख्या जी आहे सध्या, और इसी के साथ ई चौको के साथ टोटल स्कोर 51 रन की योग पर, यानी कि बिल्कुल अष्टविनायक 11 थाने क्रिकेट टीम आज ऐसा लग रहा कि इस साल में